गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गुना पढ़ेंगे, क्योंकि गुना का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कैलकुलेशन में। और मैं आपको आज टाइप पहला पढ़ाऊंगा, आप लोग इत्मीनान से रहिएगा। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी छोटा लेवल से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आपको लेवल में लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है मेरा कि 10 से कम का गुना। किससे कम का गुना? 10 से कम का गुना। तो यहां पे अगर हम आपको दे दे क्वेश्चन 9 गुना 8, 7 गुना 9, 8 गुना 7, 9 गुना 6, धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ये छोटा सा क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आप ये क्या दे रहे हैं, इसीलिए धैर्य बना के रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग का टेक्निक क्या है, क्योंकि अगर आप टेक्निक जानते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। अगर आपको टेक्निक पता नहीं है तो आप पीछे रह जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसे बेसिक पर बनाइए, बेसिक का अर्थ होता है कि जैसे हम बचपन में परंपरागत रूप से बनाते थे, मतलब ट्रेडिशनल रूप से बनाते थे, लेकिन आज हम लोग उस ट्रेडिशनल रूप को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे जो ऊपर के लेवल का सोच है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं अगर बेसिक पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। 9 8 ये 72 होता है, 7 9 63 होता है, 8 7 56 होता है, 9 6 54 होता है। तो ये तो हो गई हम लोग का परंपरागत रूल, ट्रेडिशनल रूल, जो कि हम लोग जानते ही हैं गुना करने के लिए। अब थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का सोचते, स्टैंडर्ड लेवल इसका क्या है। क्योंकि आप जब तक अपने सोच को बहुत बड़ा, दैट मीन्स ब्रॉड नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, और अगर हम लॉजिक लिखेंगे बोर्ड पर तो एक बेस की आवश्यकता होती है। आप बोलेंगे ट्रिक, प्यारे भाई मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। ट्रिक टिकाऊ नहीं होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लोग बड़े से बड़े सवाल को बना लेंगे। इसीलिए आप इसे ट्रिक ना बोले, मैं बोल रहा हूं लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, कि हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का उपयोग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो अगर लॉजिक लिख देंगे तो हम लोग को एक बेस की आवश्यकता होती है, और वो बेस जो होगा वो क्या होता है तो मैं बताऊंगा कि बेस जब भी होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हम क्या बोले 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 200 300 400 500 600 700 800, ऐसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 100 तक गए उसके बाद 110 120, ऐसे नहीं लेना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, मैं पूछूंगा कि बताइए बेस कितना होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो यहां जो मैं लिखता हूं उसे बोलेंगे आप बेस। यहां बेस कितना हो गया बताएंगे जरा, 10 हो गया। अब हम लोग लॉजिक का प्रयोग करेंगे, तर्क देंगे कैसे बनाते हैं इसको। बहुत सारा रूल होगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसे आप अध्ययन कीजिए। यहां 9 है और ये 8 है, प्यारे भाई 10 से हमेशा कंपेयर करना है इसका। 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है। ये 8 कितना कम है? 2 कम है। आप इत्मीनान से इसको गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 होता है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए या फिर इसको इसमें से घटा दीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 में से 2 गया 7 या फिर 8 में से 1 गया 7, अच्छा लगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगा है फिर से मैं समझा दूं, 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है, -1। 10 से 8 कितना कम है? 2 कम है, 2 गुना 1 2, ये ऑब्लिग है।
या तो इसको इसमें से घटाइए तो भी सेवन ही होगा, या फिर एट में से बन गया सेवन, समझ गए। चलिए ये तो बन गया, अब इस पे आते हैं। धैर्य बना के रहिएगा, पेशेंस रखिएगा। अब यहां है सेवन और नाइन, ये दस से सात कितना कम है, तीन कम है, ये कितना कम है, एक कम है, तीन गुना एक ये तीन हो गया, ऑब्लिक दे दीजिए। सात में से एक गया छ, या फिर नौ में से तीन गया छ, देखिए सेकंड भी नहीं लगता, आंसर है आपका, आंसर आ गया, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको समझ गए एक ये बना देते हैं, एट है सेवन है, दस से आठ कितना कम है, दो कम है, ये कितना कम है, तीन कम है, तीन दुना ये छ हो गया, ऑब्लिक दे दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए या फिर इसको इसमें से घटा दीजिए, फाइव हो गया, है यहां फाइव आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है यदि आप हमें लाड़ प्यार देते हैं, तो हौसला भी बनता है पढ़ाने का, क्योंकि ये छोटा सा, एक छोटा सा पहल है, अनोखा पहल है, ताकि मैं आपके बीच रहूं, आप भी हमें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने का। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला टाइप भी लेके आऊंगा, बहुत बड़े बड़े गुना को बहुत कम समय में बनाने का तरीका बताऊंगा, ताकि आपका समय एग्जाम में काफी बचे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।